कावड़ मेले को लेकर पिछले दिनों से जो सभी विभाग सभी तैयारियां कर रहे थे उसकी तैयारियों को लेकर ये आज एक समीक्षा करी है। हम लोगों ने आपस में चर्चा करी है और सभी विभागों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं, अपनी तैयारियां बताई हैं। उसके साथ साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे हैं और मेला बहुत शानदार होगा। पिछले वर्ष जो रिकॉर्ड बना था मेले का, इस वर्ष वो रिकॉर्ड टूटेगा और मेला अच्छा होगा, सभी के लिए सरल होगा, सुगम होगा, सबकी यात्रा अच्छी होगी। बजट जारी रहेगा? नहीं, वो सब व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। बजट की कोई कमी मेले के लिए नहीं पड़ने वाली है। ये हमारा आस्था और श्रद्धा का मेला है, कांवड़ मेला पूरे भारतवर्ष के लोगों का मेला है, इसलिए बजट की कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री जी, कांवड़ मेले को लेकर व्यवस्था को लेकर कितने संतुष्ट हैं आप? इतनी लंबी यात्रा है, किस तरह से होगा इस बार? नहीं, जैसे पिछले वर्ष हुआ था उससे और अच्छा होगा। पिछले वर्ष जो भी हमने किया था कांवड़ यात्रियों का, जो भी स्वागत किया था, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करी थी, इस बार और भव्य होगा। आपके मुख्यमंत्री, कांवड़ मेला ड्रग्स का बहुत बड़ा बाजार है, आपका सप्ताह चल रहा है। हमने देखिए, ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का संकल्प लिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि पूरे देश को नशे से मुक्त करना है। उसी क्रम में हमने उत्तराखंड को भी, देवभूमि को 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने का संकल्प लिया है। और जो ड्रग्स को रोकने के लिए, नशे को रोकने के लिए जो सर्वाधिक शक्ति हो सकती है, जितनी शक्ति हो सकती है, वो सारी शक्ति करेंगे। नहीं, सभी तैयारियां अच्छी हैं, अच्छे तरीके से तैयारियां हुई हैं, हम लोग संतुष्ट हैं। और जो और अच्छे अच्छे सुझाव यहां पर आए हैं उस पर भी अभी जो बचा हुआ समय है उस पर काम होगा। और बाहर से कितना फोर्स आपकी बाहर मंगाया गया है, किस तरह की सुरक्षा का तालमेल कैसा रहेगा बाकी सभी विभागों का? आपस में अच्छा तालमेल होगा, NDRF भी लगाई गई है, SDRF भी लगी है, और जो सुरक्षा बल जरूरत है उन सबकी, सभी यहाँ पर काम करेंगे।